अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और चौक, गोल दामन, नेक और स्लीव्स पर कटवर्क भी बनाना बताऊंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है, इसको हमने तह करके रख लिया है। ऐसे हमने कपड़े की चार तह कर ली हैं। ये हमारी कुर्ती है, इसलिए हम इसको फिटिंग में कट नहीं करेंगे, इसको हम ढीला ढीला कट करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मार्क हम शोल्डर के लिए लगाएंगे। शोल्डर की चौड़ाई की तरफ हम ये 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल की लंबाई के लिए हम 8 इंच पर करेंगे मार्क। और इस तरह से चौड़ाई की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी शोल्डर के चौड़ाई के मुताबिक हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। और यहाँ पर हम गुलाई करेंगे, कॉर्नर से ये गुलाई हमारी 1.5 इंच के गैप पर होगी। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, चौड़ाई की तरफ हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट और कमर के सेंटर का जो हमारा गैप होगा वो तकरीबन 6 इंच का होगा। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे 9.5 इंच पर, 9.5 इंचेस पर। अब हमारी चेस्ट से लेकर साइड स्लीव तक जो लंबाई होगी वो 13 इंच होगी। अब हम इन मार्क को मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हिप के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे 11.5 इंचेस पर। अब हम अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच के गैप पर कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया है वो हमने स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए निशान लगाए हैं। नीचे से हम दामन को गोल कर लेंगे। यहाँ पर हम गुलाई के लिए मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर को कट करेंगे 1/2 इंच का। यहाँ से हम 1/2 इंच तिरछा लेकर जाएंगे निशान को। ऐसे शोल्डर को हम दोनों शोल्डर को तिरछा कट करेंगे। अब इसके बाद हम सिर्फ फ्रंट शोल्डर को दोबारा से 1/2 इंच का ऐसे तिरछा कट करेंगे। बैक को कट नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट को कट करना है। और अब हम फ्रंट की आर्म होल को भी यहाँ से थोड़ा डीप कर लेंगे। ऐसे आर्म होल को भी हम यहाँ से डीप कट करेंगे, तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम। ऐसे हमने आर्म होल को थोड़ा डीप कट कर लिया है और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। हमारी आर्म होल की जो लंबाई है वो 9.2 इंचेस है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम नीचे की साइड पर लगा लेंगे ऐसे। अब हम बैक नेक को कट करेंगे। इसके चौड़ाई के लिए हम मार्क करेंगे 2.2 इंचेस पर, 2.3 इंचेस पर ये हमने मार्क किया है। और इसकी लंबाई के लिए हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पर।
और ऐसे मार करके इसको हम गोलाई में कट कर लेंगे। हमने अपनी कुर्ती की लेंथ रखी है 39 इंचेस और ये रेडी होने के बाद 38 इंचेस बच जाएगी। जैसे आजकल ढीली कुर्ती चल रही हैं, खुली खुली, हमने इस तरह से अपनी कुर्ती को कट किया है, फिटिंग में कट नहीं किया। और अब इसके बाद हम अपनी स्लीव को कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं, स्लीव्स की लेंथ हमने 19 इंच रखी है और इनकी चौड़ाई 9.5 इंच है। यहाँ पर हम चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर और ऐसे हम ऊपर की साइड पर मार्क करते आएंगे। अब यहाँ से हम फिटिंग के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। और अब स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। और ये डिज़ाइनिंग के लिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब हम कट वर्क के लिए ये हार्ड पेपर लेंगे। इसको हम ऐसे डबल करके लंबाई की साइड पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और चौड़ाई की तरफ हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर मार्क करेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए हम राउंड कट बना लेंगे ऐसे। अब कट को हम काट लेंगे। ऐसे हमने राउंड कट को काट लिया है। अब हम आड़ी बुकरम लेंगे। ये हमने बुकरम ली है, बुकरम के आड़े साइड पर हम मार्क करेंगे और बुकरम हमारी डबल है। सबसे पहले हम बुकरम पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम 2 पॉइंट के गैप पर लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम जो ये हमारा बुकरम का डबल साइड है और वहाँ पर हम अपने कट को रखेंगे। कट को भी हमने डबल करके रखना है और इसके बराबर यूँ निशान लगा लेंगे। अब इसके बराबर हम कट को खोल कर रखेंगे। अब इसी तरह से हम कट को एंड तक खोल कर रख कर निशान लगाएंगे। ऐसे हमने बुकरम के आड़े साइड पर कट्स बना लिए हैं। ये कट्स हमने एक साइड के बनाए हैं, तो यहाँ से हमारी बुकरम कम पड़ गई थी, तो यहाँ पर हमने बुकरम को ज्वाइन लगा लिया है। और अब हम कट्स को काट लेंगे। दामन के एक साइड के कट्स को हमने काट लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड के लिए भी काट लेंगे। और ये हम तिरछी पट्टी लेंगे शर्ट के साथ की। इस पट्टी के ऊपर हम कट्स को पेस्ट कर लेंगे। ये कट्स हमने अपने गोल दामन के लिए कट किए हैं, इसीलिए हमने बुकरम और ये कपड़ा हमने दोनों तिरछा ही लिया है। कपड़ा भी हमने तिरछा लिया है और बुकरम भी। ऐसे फैब्रिक के ऊपर हमने कट्स को पेस्ट कर लिया है। अब हम अपने शर्ट के साथ की ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी भी हमने तिरछी ही ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। इस पट्टी के ऊपर हम ऐसे कट्स को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ऐसे रखकर बुकरम के बराबर बराबर से हम स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे।
ऐसे हमने इसको स्टिच कर लिया है। और अब हम इस फैब्रिक को बुकरम के साथ साथ से कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद हम यहाँ कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ऐसे हमने सारे कॉर्नर्स में कट लगा लिए हैं और अब हम अपने कर्व्स को ऐसे सीधा कर लेंगे। कर्व्स को सीधा करने के बाद हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। ये देखें, कर्व्स को हमने सीधा करने के बाद प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, यहाँ साइड से। अब हम अपनी कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हमने ये बुकरम ली है, इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और बुकरम की लंबाई 17.5 इंच है। नेक पर हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर और लंबाई के लिए हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। हम राउंड नेक बनाएंगे, उसके लिए हम गुलाई में ऐसे मार्क कर लेंगे और इसके नीचे हम वी बनाएंगे। वी के लिए हम 1.5 इंच के गैप पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच की हम वी बनाएंगे और वी के नीचे हमने कट बनाना है। कट की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच, 10 इंच पर ये हम मार्क करेंगे। नेक पर भी हम कर्व्स ही बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये छोटा कट लिया है। इसकी लंबाई हमने 1.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है। इस कट को हम यहाँ पर रखेंगे अंदर की साइड पर और ऐसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम अपनी बुकरम को कट कर लेंगे। ऐसे हमने अपने नेक को कट कर लिया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ऐसे नेक को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इस साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट के फ्रंट साइड पर हम अपने नेक को ऐसे रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बराबर बराबर से स्टिच करेंगे।
ऐसे हमने बुकरम के साथ साथ से स्टिच कर लिया है और अब हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इसके बाद हम बुकरम को शर्ट की रॉन्ग साइड पर ऐसे फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर लेंगे। ऐसे हमने अपने नेक को प्रेस कर लिया है और अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम ये रैप फैब्रिक लेंगे। ये हमने रैप कपड़ा लिया है। इसको हम एक साइड से ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने तकरीबन 1 इंच ली है। पाइपिंग को स्टिच करने के बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे और पाइपिंग को हम कट के नीचे यहाँ पर ऐसे रखेंगे। वी के नीचे हम पाइपिंग को स्टिच नहीं करेंगे, कट के नीचे हम स्टिच करेंगे। थोड़ा पाइपिंग को हम ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे। ऐसे पाइपिंग को स्टिच करने के बाद हम पाइपिंग को यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और अब पाइपिंग को हम कुर्ती के रॉन्ग साइड पर ऐसे फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने कट में पाइपिंग को लगा लिया है और अब हम ये बुकरम लेंगे। बुकरम की चौड़ाई 1 इंच है। बुकरम को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और अब इस फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे। और अब इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसको हम अपनी कुर्ती के कट के नीचे यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। कट को बंद करने के लिए हम इसको स्टिच करेंगे। कुर्ती का फ्रंट नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हम बैक साइड लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसी तरह से हम इस साइड से भी फिटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने कुर्ती की फिटिंग कर ली है और अब हम अपना बैक नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हम ये रैप फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक को हम ऐसे नेक पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे।
इसको स्टिच करने के बाद हम इस सिलाई को ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम अपने शोल्डर स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद ये जो हमारा बैक साइड का फैब्रिक है बैक नेक का, इसको हम ऐसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसको हम ये सिंगल फोल्ड करके स्टिच करेंगे, बाद में हम इसको डबल फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे। ऐसे हमने सिंगल स्टिच कर लिया है और अब हम लास्ट में इसको ऐसे हैंड स्टिच कर लेंगे डबल फोल्ड करके। और अब हम अपने दामन पर ये जो फिटिंग की सिलाई जहाँ पर ख़त्म हो रही है बिल्कुल उसके सामने यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। और अब हम दामन का सेंटर लेंगे, दोनों को डबल करके जो हमारा दामन का सेंटर होगा वहाँ पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के यहाँ पर मार्क करने के बाद हम जो हमने अपने कट वाली पट्टी रेडी की थी ये वाली ये लेंगे, इसके सेंटर में भी इसको डबल करके इसके सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। कुर्ती के दामन के सेंटर में बिल्कुल हम इस कट का सेंटर रखेंगे, दोनों का सेंटर हम बराबर रखेंगे और सेंटर से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से हम कट्स को इसीलिए स्टिच करेंगे क्योंकि जहाँ पर हमारे दोनों साइड पर कट्स ख़त्म होंगे तो दोनों स्लिट्स के आखिर में हमारे कट बिल्कुल बराबर आएंगे, कहीं छोटा या बड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। अगर सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पर हमारी गुलाई आएगी वहाँ पर हम कट वाली पट्टी पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ऐसे। जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ तक और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट्स को स्टिच कर लेंगे इस साइड पर। ऐसे हमने अपनी कट वाली पट्टी को दामन के एक साइड पर स्टिच कर लिया है, ये देखें। ये हमने फ्रंट दामन पर स्टिच किया है और अब हम बैक दामन पर भी इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों कट हमारे बराबर आए हैं बिल्कुल। ऐसे हमने आगे पीछे दोनों साइड पर कट्स को स्टिच कर लिया है और अब हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। इस फैब्रिक को हम ऐसे एक साइड से फोल्ड करेंगे और कट के साइड पर यहाँ पर हम कट के उस साइड पर ऐसे हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को हम कट के बाहर वाली साइड पर रखेंगे ऐसे। जहाँ से दामन की गुलाई है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे ऐसे।
ऐसे हमने पट्टी को स्टिच करके रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लिया है और अब हम पट्टी को ऐसे सिंगल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। बाद में हम इसको हैंड स्टिच करेंगे यहाँ से। और अब हम ये स्लीव्स लेंगे, दोनों स्लीव्स के आगे हमने कट्स बना लिए हैं। अब हम स्लीव की फ़िटिंग कर लेंगे। स्लीव को आगे से हमने 5.5 इंच रखा है और यहाँ से हमने फिटिंग कर ली है। यहाँ से हम अपने आर्म होल को, स्लीव को हम यहाँ से आर्म होल के साथ ऐसे मेजर करेंगे। जहाँ से हमने अपनी कुर्ती की फ़िटिंग की है बिल्कुल उसके सामने हम यहाँ पर स्लीव पर कट लगा लेंगे। यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव की भी फिटिंग कर लेंगे। स्लीव को हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपने ये कुर्ती लेंगे और कुर्ती के आर्म होल को हम ऐसे खोलेंगे और इसी तरह से हम स्लीव को भी ऐसे खोलकर दोनों की फ़िटिंग वाली सिलाई ऐसे बराबर रखेंगे। दोनों की फ़िटिंग वाली सिलाई बराबर रखकर हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमने अपनी स्लीव को आर्म होल के साथ स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी को भी स्टिच कर लेंगे। अब हम अपने दामन के बैक साइड से हैंड स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने पट्टी लगाई थी इसको हमने सिंगल स्टिच कर लिया था मशीन से और अब हम यहाँ से ऐसे हैंड स्टिच कर लेंगे। दामन को भी हम इसी तरह से हैंड स्टिच करेंगे और अपने बैक नेक और फ्रंट नेक को भी हम इसी तरह से हैंड स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमारा नेक है। पाइपिंग के ऊपर हम बटन्स को स्टिच कर लेंगे। और ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के आगे हमने ऐसे कट बनाए हैं। और ये दामन है, गोल दामन। गोल दामन पर भी हमने ऐसे कट्स बनाए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।